सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है यूज बाय 8 यानी कि अक्टूबर 2000। तो आज के स्टूडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो भाई पल्स टॉफी का एक जार होता है, यानी कि भाई जो ये एक डब्बा होता है, ये एक डब्बा आपको कितने का मिलता है, ठीक है, यानी कि ये एक डब्बा एक दुकानदार को कितने का मिलता है और दुकानदार को इस एक डब्बे यानी कि पूरी पल्स टॉफी बेचने पर कितने रुपए का फायदा होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको आज के स्टूडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो भाई जैसा कि आप देख सकते हो ये है एक डिब्बा पल्स, ठीक है भाई, जैसे कि मैं अभी अपने दुकान पर बेचने के लिए लेकर के आया हूँ आज ही, ठीक है भाई। और ये एक डिब्बा मैं जो है एक होलसेलर दुकान वाले से खरीदा हूँ, क्योंकि भाई ये होलसेलर दुकान वाला मुझे ये एक डिब्बा 145 रुपए का दिया था, नहीं वो उसने 145 रुपए में ही दिया, और भाई मैं उस होलसेलर से कह रहा था कि भाई आप उस तो कुछ ज्यादा ही महंगा लगा रहे हो, लेकिन भाई उन्होंने कहा कि यार ये 145 रुपए में ही बिकता है और इसमें आपको पूरे 30 और यहाँ पे जो आप देखते हो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 यूनिट एक्स्ट्रा, यानी कि आपको 30, 2, 32 रुपए का इसमें फायदा होगा, यानी कि ये डिब्बा पे आप एमआरपी देख सकते हो 175 रुपए है और ये एक डिब्बा मुझे उस होलसेलर दुकान वाले ने दिया है 145 रुपए में। तो लेकिन भाई मैं जिस होलसेलर दुकान वाले से ये एक पल्स डिब्बा ले रहा था ना, मैंने उनसे बार बार कहा कि यार आप भाई 145 रुपए में बहुत महंगा ये डिब्बा लगा रहे हो, लेकिन भाई वो बार बार मुझे कह रहे थे कि ये 145 रुपए में ही बिकता है, आप जहां कहीं भी वहां मालूम कर लो। आप लोग भी दुकान चलाते हो और आप लोग अगर अपनी दुकान पे पल्स टॉफी बेचते हो ना, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि भाई आप लोगों को ये डिब्बा कितने का मिलता है, ठीक है, और आपको इस पे कितने रुपए का फायदा भी होता है। जब भी आप कोई भी टॉफी खरीदे, ठीक है, तो भाई टॉफी के डब्बे पर आप एक ही जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, हर टॉफी के डब्बे पर यहाँ पे एक्सपायरी डेट लिखी होती है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है यूज बाय 8 यानी कि अक्टूबर 2024, ठीक है। और वहीं पे भाई बहुत से होलसेलर दुकानदार ऐसे भी होते हैं जो कि आपको पल्स टॉफी सस्ते में तो दे देंगे, लेकिन भाई वो टॉफी एक्सपायर हुई होती है, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप कि कोई भी मैं ये पल्स टॉफी कोई जरूरी नहीं है, आप कोई भी टॉफी खरीदे उस पे उस डब्बे पे आप ये जरूर देख लीजिएगा कि वो टॉफी कहीं एक्सपायर हुई तो नहीं है, जो कि आपको सस्ते में निपटा दे रहा है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।